नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के सिलेबस को। इसका कोड है हिस्ट्री HUQP09। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देयर विल बी क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चंस। एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक। All questions will be compulsory. जितने भी 100 हैं, 100 compulsory हैं आपको करने के लिए। The question paper will have two parts. एक part A होगा और एक part B होगा। और पहला वाला जो part होगा, part A will have 25 questions. Part A में 25 questions होंगे and second में 75 questions होंगे। Okay? जो पार्ट ए वाला क्वेश्चन है, पार्ट ए वाले क्वेश्चंस होंगे वो आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे और जो पार्ट बी वाले क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। अब जनरल क्वेश्चन जनरल वाला पेपर में क्या पूछा जाना है आपको, उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा, वर्बल एबिलिटी होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स, आपसे रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पोर्शन होगा जिसमें सीआई एसआई ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट बी में जो 75 क्वेश्चंस होंगे ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और ये जो 75 क्वेश्चंस है ये मतलब कि कुछ जैसे जेएनयू होगा, जेएनयू ही है, जेएनयू में टोटल 75 क्वेश्चन पे मेरिट बनती है और बीएचयू और अन्य जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे टोटल 100 क्वेश्चन में मेरिट बनती है। तो 75 क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वह बहुत ज्यादा मायने रखता है और हम लोग इसके आगे देखते हैं। हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री का देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 10,000 बीसी टू 1206 एडी। पहला इसका पोर्शन है स्टोन एज। स्टोन एज जो कि तीन भागों में डिवाइड है, पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक एंड नियोलिथिक। और हम लोग इसमें चेल्कोलिथिक भी दिया हुआ है तो चेल्कोलिथिक भी पढ़ना है। चेल्कोलिथिक का मतलब जो उस समय जारवे और आहार संस्कृतियां इसके पैरेलल चल रही थी उसके बारे में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन एंड वैदिक एज, स्टेट फॉर्मेशन इन एंशियंट इंडिया, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य इन्वेजन एंड वैदिक एज, स्टेट फॉर्मेशन इन एंशियंट इंडिया, राइज ऑफ एंशियंट इंडियन एम्पायर। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है आपका वो राइज ऑफ एंशियंट इंडियन एम्पायर, जो कि कुछ वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद डायनेस्टी। एज ऑफ रिलीजन, एज ऑफ रिलीजन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम आपको थोड़ा इसका डेमो दिखाते हैं। यहाँ पे है मेरे पास क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, मगध में अंग महाजनपद को निम्नलिखित में से किस शासक ने मिलाया था। तो ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि क्वेश्चन दे दिया और उसमें क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए दे दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जो क्वेश्चन होते हैं। तो चार पांच ऑप्शन होंगे, इसके बाद जो ऑप्शंस दिए होंगे कि ए बी सी डी, सेकेंड वाला ऑप्शन होगा बी सी ए डी ऐसे करके। तो ये वाले क्वेश्चन जो है पिछले 2 सालों से एनटीए बहुत ज्यादा पूछ रहा है। ये क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैच द फॉलोइंग के बेस में होते हैं। और अब जो है बहुत बहुत ज्यादा जो पोर्शन है वो वन लाइनर क्वेश्चंस के आते नहीं है आपको, मतलब कि यदि आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए तो आपको डीप में पढ़ना होगा। तो ये जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है यहाँ से बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी इसका जो वेटेज है इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। हम आते हैं मौर्यन एज। मौर्यन एज में मौर्यन एज सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चर, इसका सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास के बारे में इसमें बात, इसका जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ से भी मतलब 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 75 क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा वेटेज है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है।
पोस्ट मौर्यन पीरियड, इंडो ग्रीक, शक, कुशांस, वेस्टर्न क्षत्रप, मतलब पश्चिमी क्षत्रप। इसके बाद जो है सिलेबस में अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, वो खारवेला, सातवाहन, तमिल स्टेट ऑफ द संगम, ये संगम के बारे में जो है कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है रिलेटेड टू संगम, संगम एज। जैसे हो गया सिलप्पा अधिकारम, किसने लिखा है, ये वन वर्ड क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं। मड़ी में खलई किसने लिखा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं संगम एज से। एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये इन्हीं अर्ली स्टेट्स एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया को लेके है। एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यहाँ पे मंदिर और मंदिरों का निर्माण किसने किया, मंदिरों की शैली के बारे में बात की जाती है। गुप्ताज, वाकाटक्स एंड वर्धंस, ये गुप्तों का पीरियड जो है वह 319 एडी, जो वास्तविक गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी वह 319 एडी चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी, लेकिन यह जो है 275 एडी में ही श्रीगुप्त के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना कर दी गई थी। और उसके बाद के जो है पैरेलल वाकाटक्स और गुप्तों के बाद जो है वर्धंस, इसके बारे में हमको पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, इनके राजशासन, समाज और कल्चर के बारे में ये सिलेबस में दिया हुआ है। रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ता गुप्ता आयरा, द कदम्स, पल्लव्स, चालुक्स, चालुक्स ऑफ बदामी, और इनके पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी इसमें पूछा है, मतलब कि सिलेबस में दिया हुआ है। लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ वैष्णव एंड शैव रिलीजियंस, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैष्णव एंड शैव रिलीजियंस, नयनार और अलवार जो संतों के बारे में बात की जाती है, ये वहां से उठाए जाते हैं ये क्वेश्चंस। पाल पालों के बारे में, सेन, गोपाल पाल जो पाल वंश का संस्थापक था, और सेन, राष्ट्रकूटास, परमार्स, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनके राज्य और राज व्यवस्था के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाने हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। और यहाँ से जो क्वेश्चंस है ये लास्ट में पाल, सेन, राष्ट्रकूट, परमार्स, यहाँ से बहुत ज्यादा हाईली क्वेश्चन, मतलब कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन हाँ कभी कभी एक दो क्वेश्चन जो कि इस दौरान जो पुस्तक जो है, जैसे कि हम बात करते हैं रामचरित, रामचरित जब बुक रिटन बाय संध्याकर नंदी, ये किसके कार्यकाल में लिखा गया था, तो वो पालो पाल के पाल शासन के कार्यकाल में लिखा गया था। महिपाल वॉज द रूलर एट दैट टाइम। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद है अर्ली मेडाइवल, वो एंशियंट इंडियन का पार्ट था कि जो सिलेबस में क्या क्या है जो पूछा जाना है। अर्ली मेडाइवल इंडिया, 750 एडी टू 1206 एडी, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया एंड द राइज ऑफ राजपूत। तो जो भी मतलब कि जो मुख्य पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे नॉर्दर्न इंडिया के बाद, जो गुप्तों के बाद एक मतलब कि खालीपन आ गया था भारत के मैप पे, वो कैसा डेवलपमेंट रहा, उसके बाद का जो कार्यकाल है उसके बारे में नॉर्दर्न इंडिया में, ये रहा सिलेबस। और द राइज ऑफ राजपूत्स, उसके बाद राइज ऑफ राजपूत्स मतलब राजपूतों के उदय के बारे में है। द चोलाज, एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो यहाँ से जो चोलास के बारे में पूछा जाता है, एक दो मुख्य राजा हैं जैसे कि राजेंद्र चोल हो गया, फिर राजराज फर्स्ट हो गया, राजेंद्र फर्स्ट हो गए। यहाँ से प्रश्न अगर पॉलिटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से पूछा जाता है, या तो कुलोत्तुंग के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, नहीं तो इनके विलेज इकोनॉमी और सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो जब सबसे थोड़ा टफ हो जाता है जब हम नाम सुनते हैं कलंजू, 2 साल पहले 2021 में शायद पूछा गया था कि कलंजू क्या है ना, तो ये चोल कालीन स्वर्ण सिक्के हैं कलंजू। और ठीक उसी प्रकार से पिछले साल शायद क्वेश्चन था उर क्या है सॉरी सॉरी। इसके बाद है इंडियन फ्यूडलिज्म, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड अर्बन सेटलमेंट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो भारतीय सामंतवाद,
जैसे ही गुप्त काल बीतता है, गुप्त काल के पतन का एक कारण भी ये सामंतवाद ही था। तो जो गैप क्रिएट होता है ना कि एक गुप्त काल के बाद देखेंगे कि जब मुगल आते हैं तब एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है स्थापित होता है भारत में, लेकिन इस गैप के बीच में कि लगभग 550 ईस्वी के बाद और अब हम देखते हैं लगभग 16वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, या फिर मतलब कि सल्तनत पीरियड की बात करते हैं, जो नॉर्दर्न इंडिया का एरिया है वहां पे बहुत मतलब मोस्टली पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पे ही वो राज्य करता है, साउथ में नहीं जा पाता है। लेकिन गुप्तों के साथ ऐसा होता है कि वो साउथ पे भी मतलब वहां से कर लेते हैं। और फिर मुगल है, मुगल मतलब कि औरंगजेब जो है साउथ तक जाता है। उस समय के बीच तक क्या होता है कि ये इंडियन फ्यूडलिज्म जो है वो बहुत एकदम चरम पे होता है। हम लोग इसके क्या कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी, अर्बन सेटलमेंट्स और ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 1206 से लेके 1707 AD तक का है। इसके आगे जो है बसंत सर बताएंगे सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, अभी आपने अनिल सर से एंशियंट और अर्ली मिडाइवल का पूरा सिलेबस समझ लिया है, ठीक है ना। एक एक चीजें सर ने बता दी है आपको, किस पोर्शन से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताया वो ये था कि आपको जब आप सिलेबस को देख रहे होंगे, सिलेबस जब आप पढ़ रहे होंगे, सिलेबस आपके दिमाग में होगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि जब आप मौर्यन एज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मौर्यन एज जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल पार्ट पढ़ना है हमें। तो अगर आपको सिलेबस यानी जो बेसिक चीज है सीयूईटी पीजी के 2024 का एग्जाम जैसे आप देने जा रहे हैं हिस्ट्री से, तो ये बेसिक चीज अगर आपको नहीं पता रहेगी तो आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक पोर्शन भी पढ़ लेंगे और भी कुछ अगर एस्पेक्ट्स इसके हो सकते हैं तो वो भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको पता होगा कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। इस वजह से सिलेबस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं मिडाइवल पीरियड के बारे में, मिडाइवल पीरियड में क्या चीजें हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि हमने जो सिलेबस ये तैयार किया है ना, इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये आप जैसे ही आगे जाएंगे तो आप देखेंगे इसका हिंदी भी हमने कर रखा है। तो अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के ऐप पे जाइए, बीएचयू वाले डाउनलोड ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस सिलेबस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। मिडाइवल हिस्ट्री जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1206 में और ये खत्म होती है 1707 में, यानी औरंगजेब की मृत्यु के साथ खत्म होगी और स्थापना के साथ, यानी जो मामलुक वंश था, जो गुलाम वंश जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना के साथ ही मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। अगर हम बात करें कि सिलेबस में क्या है, तो पहला जो चीज लिखा गया है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली रूल। और इसमें क्या है, इसमें जो जो वंश आते हैं, जो जो डायनेस्टीज आती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। डायनेस्टीज के लिए एक बहुत सिंपल सा हमने रूल बना के रखा है, वो क्या होता है, उसे कहते हैं गुख्त सलम, है ना, क्या कहते हैं गुख्त सलम। बहुत सिंपल सा एकदम ये ट्रिक है, स के बाद ल के बाद म आता है और गु से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, ख से क्या हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और ल से लोदी वंश और लास्ट में आता है मुगल वंश। तो ये सिंपली, अब उसके साथ साथ इनका टाइम पीरियड क्या था ये आपको ध्यान रख लेना होगा। 1206 से लेकर 1290 तक आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश का 1290 से लेकर के 1320। अगर आप लेक्चर की सीरीज चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चीजें, ऐसी सिंपल चीजें हम आपको फ्री में लेक्चर के तौर पर प्रोवाइड करें, तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को 100 लाइक्स और 40 कमेंट्स करने होंगे। ये मैं आप लोगों के सामने टारगेट रखता हूँ, क्योंकि देखिए क्या है कि मैं तो आकर के पढ़ा दूंगा, लेकिन वो 40 बच्चे मुझे मिलने चाहिए ना कम से कम, जो कमेंट करके बोले हो कि सर जी हाँ फ्री में लेक्चर पढ़ाइए हमें, फ्री में हमें लाइव लेक्चर्स चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि सल्तनत पीरियड में मिलिट्री रिफॉर्म्स किस प्रकार हुए थे, इक्ता सिस्टम क्या था, ये सारी बातें आपको एक एक करके बताई जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सल्तनत पीरियड में अगर आपकी आपको बात करें तो कृषि सुधार भी हुए थे, ठीक है, उसके साथ साथ आपका प्रशासन में भी बहुत सारा सुधार किया गया था। तो वो चीजें हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करनी है, फोकस क्या करना है, मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके साथ साथ अगर हम
एमबीटी के बारे में बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें, तो वहां भी आपको पता चलता है कि उसने कई सारे ऐसे काम किए थे जो बहुत ज्यादा नाकाम हो गए थे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको जैसे सर ने बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है कि पहले ये बता दो मुझे कि जो दुआब का कर में वृद्धि किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो पहले किया था या फिर उसने राजधानी परिवर्तन पहले किया था, उसने जो नकली सिक्के थे वो पहले चलाए थे या फिर उसने जो चीन का अभियान था वो पहले किया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं अगर आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तो। अभी बीएचयू का सिंपल क्वेश्चन नहीं वन लाइनर पूछा जाना है, आपको डीपली हर टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज सिलेबस में नहीं लिखी है उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जिसमें विजयनगर और बहमनी किंगडम का आपको पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, राइज, हरिहर और बुक्का के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हरिहर और बुक्का ने कैसे शुरू किया था, उसके साथ सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाबर कहता है कि कृष्णदेव राय जो थे वो सबसे महान शासक थे हिंदू शासकों में, ठीक है ना, उसके साथ साथ भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट था। अब यहां पर एक चीज और है, आपको रिलेट करने भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने दीन इलाही चलाया तो उसके पीछे उसका मकसद क्या था। उसी समय भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, चरम पर थे, तो इसका एक मेजर कारण क्या था, दीन इलाही की स्थापना भी इसका एक अफेक्ट के तौर पर हम देख सकते हैं। तो जब तक आप मुगल को भक्ति सूफी मूवमेंट को रिलेट नहीं करेंगे तब तक भेजा में चीजें नहीं जाएंगी। कल्चर और पर्शियन लिटरेचर पढ़ना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी। अब देखिए मुगल एम्पायर जो था, जैसा कि सर ने बताया कि गुप्ताज के बाद पहले आते हैं मौर्यंस, उसके बाद गुप्ताज, और मुगल डायनेस्टी एक ऐसी होती है जो ऑल ओवर इंडिया में लास्ट तक फैल जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जो मुगल डायनेस्टी के बारे में बात करें तो कितने उनके राज्य थे, उनके जो शासक थे उनका क्रम क्या था, उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे, कौन से युद्ध से वो, जैसे हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं का चौसा का युद्ध है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है, उसके बाद शेरशाह सूरी आते हैं, शेरशाह सूरी आपका सूरवंश अलग से लिखा हुआ है कि हाँ, राइज ऑफ सूर डायनेस्टी है ना, और डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर भी आपको पढ़ना है इस मिडाइवल पीरियड में। ठीक है, तो राइज ऑफ सूर डायनेस्टी के अगर हम बारे में बात करें तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उन्होंने जो सिक्के चलाए थे, सराय खुदवाए थे, जो सड़कें बनवाई थी, इन सारी चीजों को बहुत डीपली अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे सीवीटी जो है वो दूर ही रहने वाला है। तो इसलिए बच्चों सावधानी से सारे सिलेबस को ध्यान से देखिए और उसके बाद ही कोई बुक उठाइए। बुक का सजेशन जो है वो सर ने, आपके विष्णुकांत सर ने एक अलग वीडियो में बना करके दे दिया है, जस्ट इसके पीछे वाली वीडियो है, जाकर के आप आराम से देख लीजिएगा इस वीडियो के देखने के बाद। ठीक, उसके बाद बात करें हम अंपायर के बारे में, हम बात करेंगे अंपायर का मतलब क्या है, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जो जो चीजें हुई हैं। अब देखिए एक चीज यहां पर अंडरस्टूड आपको होना चाहिए, अंडरस्टूड क्या, ऊपर में भी ऐसा लिखा गया है कि हाँ लिटरेचर है ना, ये लिटरेचर है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर में आपका लिटरेचर के बारे में पूछा जाता है। अब यहां पर सॉरी आपको जो मुगल के जो शासक थे, ठीक है, उनमें कौन कौन से साहित्यकार थे, उनके दरबारी कवि कौन से थे, उसके बाद उनके साथ में मूर्तिकला के एक्सपर्ट कौन से थे, उनके समय में जो बिल्डिंग बनाने वाले थे वो कौन कौन लोग थे, तो ये सारी चीजें आपको डीपली पढ़नी होंगी क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कला एवं संस्कृति में। चलिए आगे आते हैं, अब आ जाता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, जो शुरुआत होती है कब से, 1707 में, यानी मुगल औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही। यहां से आपका बहादुर शाह प्रथम यानी लेटर मुगल का काल जो है वो स्टार्ट होता है, और बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह सेकेंड से ये जो है वो जो समाप्त हो जाएगा इस मुगल डायनेस्टी का। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है एकदम आराम से। तब तक आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पूछा गया है आपका सीवीटी 2024 का, यहां पर पेपर मेरे पास अवेलेबल है तो देखेंगे अगर आप। तो सबसे पहला मुझे क्वेश्चन जो दिख रहा है वो तो मॉडर्न का ही है, ठीक है ना, मॉडर्न के बारे में थोड़ा सा देर में बात करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि मिडाइवल के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक, ये लास्ट में जो देख रहे हैं ना आप, ये जो लिखा हुआ है जो वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से,
इसको आप अगर चाहें तो लूसेंट से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी जस्ट क्वेश्चन दिख गया एक, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको कि सीयूईटी 2024 में, सॉरी सीयूईटी 2022 में, सीयूईटी 2022 यहां पर आपको दो क्वेश्चंस पूछे गए थे वर्ल्ड हिस्ट्री से, मात्र दो क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन क्या था, अमेरिकी सेना और वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसका जवाब एकदम आसान है, आपको पता होगा, मैं बताऊंगा ही नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा जो प्रश्न था वो भी बहुत इजी था भाई साहब, तो इसलिए इसको कवर करने के लिए आप क्या प्रीफर करेंगे, इसको कवर करने के लिए आप प्रीफर करेंगे लूसेंट को। ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना है केवल इंडियन हिस्ट्री बहुत डीपली में, क्योंकि सीवीटी 2023 में एक भी क्वेश्चन उससे नहीं पूछा गया है। ठीक, मुझे मिडाइवल मिल ही नहीं रहा है भाई, मैं देखता हूं मिडाइवल जैसे ही मिलता है मैं बताता हूं आपको। ठीक है ना, हाँ, बोस्टन टी पार्टी किस घटना से संबंधित है, ये आपका किसका क्वेश्चन था, तो आपका क्वेश्चन था ये वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी, है ना, नालंदा में किस बौद्ध भिक्षु ने तिब्बत को बौद्ध धर्म में परिवर्तन करने का काम किया, है ना, ये सारे एंशियंट के क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, मॉडर्न के तरफ समझ लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 1526 में अभिकथन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अभी मोस्टली तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तीन तरह के। पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप, इसमें क्या होगा, एक अभिकथन रहेगा और दूसरा जो है वो कारण रहेगा, ठीक है ना, कथन कारण बोलते हैं इसको। तो यहां पर अभिकथन शुरुआत में दिया रहेगा और उसका कारण दिया रहेगा, आपको पहला ऑप्शन रहेगा कि अभिकथन सही है और कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या करता है, दूसरे में रहता है कि दोनों सही है लेकिन अब व्याख्या नहीं करता है, तीसरे में रहता है अभिकथन सही है कारण गलत है, चौथे में रहेगा कारण सही है अभिकथन गलत है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है सिंपली अभी तक का। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है वो आपका रहेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, ठीक है, क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा मैच द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं, और इसका कारण बताऊं, इसका कारण मेजरली क्या है कि एक ही क्वेश्चन में कई सारे फैक्ट्स पूछ दिए जाते हैं, इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चंस की परंपरा जो है वो सीवीटी या फिर एनटीए की बात करें तो वो बढ़ाता जा रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं जो पूछा गया है मिडाइवल का, जो मुझे दिख रहा है, वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने 12,000 सैनिकों की सहायता से लगभग 1,25,000 की फौज वाले इब्राहिम लोदी को हराया था, और इसका कारण साथ में दिया गया है कि बाबर ने बारूद आग्नेयास्त्रों के प्रयोग में उत्कृष्ट सैन्य रणनीति का प्रदर्शन किया था। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, जो कि ये यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ, जैसे हमने बताया आपको सुलहे कुल के बारे में, है ना, सुलहे कुल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें किसके कट्टर अनुयायी थे, उसके बाद आधुनिक बाबर के पोते, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कुछ कुछ, है ना। चलिए, तो इस तरह से कुल मिला के मिडाइवल का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडर्न में, मॉडर्न में सबसे पहला जो टॉपिक हमें देखने को मिलता है वो मिलता है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी से, यानी इतिहास लेखन होता कैसे है। आपको इसमें क्या पूछा जा सकता है, बुक्स पूछे जा सकते हैं, ईएच कार की बुक का नाम बताइए, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द हिस्टोरियंस क्राफ्ट किसकी बुक है, मार्क ब्लॉक ने कौन सा बुक लिखा था, उसके साथ साथ एक अंतहीन संवाद है वर्तमान और अतीत का इतिहास, है ना, इतिहास जो है वो अतीत और वर्तमान का अंतहीन संवाद है, ये किसने बोला था, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इतिहास लेखन से पूछे जाते हैं, चाहे वो कथन हो या फिर बुक्स हो या फिर और कुछ स्टेटमेंट्स पूछा जा सकता है। एक जो अलग अलग पद्धति होती है इतिहास लेखन की, चाहे वो औपनिवेशिक हो या फिर आपका नेशनलिस्ट अप्रोच हो, सबाल्टर्न अप्रोच हो, कम्युनिस्ट अप्रोच हो, ये सारी अप्रोचेस के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टॉपिक हमारा आता है कोलोनियलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, इंपीरियलिज्म, सोशल एंड कल्चर, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल एक्ट्स। यहां तक लगभग एक ही चीज है, आपको कोलोनियलिज्म इन इंडिया में आपको यूरोपियन एडवेंट पढ़ना है, कौन कौन सा देश जो है वो आया था इंडिया में,
अब इसको पढ़ाते समय मैं आपको एक चीज बहुत ध्यान से बताता हूं, वो होता है PDEDF बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है, आपका सबसे पहले जो आए थे यूरोपियन उसमें कौन थे, पुर्तगाली थे, उसके बाद डेनिश थे जिसे हॉलैंड देश भी बोला जाता है, उसके बाद इंग्लैंड होते हैं, डच होते हैं और फ्रेंच होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डच को हॉलैंड बोलते हैं क्या, ठीक है सॉरी, तो डच को क्या बोलते हैं, हॉलैंड बोलते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा, जो सूत्र आप याद रख रहे हैं उसका मतलब क्या है ये भी जानना जरूरी है और अच्छे से जानना जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक इंपैक्ट इन ब्रिटिश पीरियड भी हमें पढ़ना है, ठीक। अब यहां पर देखिए ध्यान से, तो ब्रिटिश ने किस तरह से एक्सपेंशन किया, क्या क्या रणनीतियां अपनाई, किस तरह से उन्होंने सेटलमेंट्स लगाए, चाहे वो आपके क्या हो सकते हैं, अस्थाई बंदोबस्त हो सकता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो सकती है, महालवाड़ी व्यवस्था हो सकती है, ये व्यवस्थाओं के बारे में समझना, शिक्षा में किस तरह से विस्तार हुआ, चाहे वो आपका क्या कहते हैं वुड डिस्पैच आया था, उसके साथ साथ आपकी जो धार्मिक बदलाव किए गए थे, सती प्रथा में रोक था, उसके साथ साथ विधवा पुनर्विवाह की अगर हम बात करें 1856, एज ऑफ कंसेंट बिल था 1891, इन सारी चीजों के बारे में आपको समझना ही समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये टॉपिक आपका खाली छूट जाएगा। उसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहां से आपको रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करना है 1773, और वहां से शुरू करते हुए सारे चार्टर एक्ट को पढ़ते हुए, भारत परिषद अधिनियम को पढ़ते हुए, सारा भारत सरकार अधिनियम को पढ़ते हुए 1935 तक पढ़ लेना होगा, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग इकोनॉमिक इंपैक्ट, इसमें सेटलमेंट्स मैंने बता दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ना होगा आपको कि किस तरह से रजनीपाम दत्त ने क्या बताया है, आरसी दत्त ने क्या बताया है ना, ब्रिटिश कॉलोनी जो उपनिवेशवाद था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद उनके बढ़ाव क्या बोल सकते हैं उसको, उसके बढ़ोतरी को किस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, कितने फेजेस में दिखाया है, ये सारे प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स है ना, धार्मिक किस तरह से मूवमेंट चलाए गए रिफॉर्म करने के लिए पूरे हिंदू सोसाइटी में या मुसलमानों में भी जो चीजें चलाई गई थी उसको भी थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो मूवमेंट्स हुए थे नेशनल मूवमेंट्स, चाहे वो मास मूवमेंट हो या फिर पीजेंट मूवमेंट हो या फिर ट्राइबल मूवमेंट हो, ये सारी चीजें आप एक एक करके उसके फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे, उनका क्रम ध्यान रखेंगे। प्रेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, अब अगर कहीं लिखा गया है नहीं लिखा गया, ठीक है, लेकिन प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इस बात को भी आप पढ़ेंगे कि कौन सा पत्र जो है वो साप्ताहिक था कि दैनिक था, है ना, तो कब लाया गया, उसके साथ साथ पहला कौन सा था, बंगाल का पहला कौन था, इंग्लिश में कौन सा लॉन्च किया गया था, ये सारी चीजें आपको ए टू जेड पढ़नी चाहिए, ठीक, पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो रिफॉर्मिस्ट थे उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर एटसेट्रा लगाया गया है, यानी केवल तीन ही नहीं इसके आगे भी आपको पढ़ना है। उसके साथ नेक्स्ट चलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए कि ये जो लास्ट में टॉपिक दिए गए हैं ये सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है। अगर आप नेशनल कांग्रेस के समिट्स को पढ़ रहे हैं 1885 से लेकर के 1947 तक, अगर आप इसके समिट्स को पढ़ रहे हैं और आप गांधीयन मूवमेंट को छोड़ देंगे तो फिर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि 1905 के बाद से जो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होता है उसका इस सिलेबस में बहुत ज्यादा योगदान है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, चाहे वो कम्युनिस्ट के बारे में हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस के बारे में हो, चाहे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो गांधी इरविन पैक्ट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब चीजें इनके बहुत डीपली इन चीजों को पूछा जाता है। मैं कुछ क्वेश्चंस भी लास्ट में लूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया, ये लास्ट में हम पढ़ेंगे, लास्ट की चीजें पढ़ेंगे, और उसके बाद स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हो गया, ठीक है। ये लगभग सारी चीजें 1905 के बाद की है और इनको पढ़ना बहुत डीपली जरूरी है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमने बता ही दिया, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को ले लेते हैं और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे कुछ चीजों को बताते हुए, ये बताते हुए कि आपको अगर बेहतर तैयारी करनी है तो वो कहां से करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस जैसे कि यहां पर मुझे दिख रहा है, हाँ देखिए, जैसे यहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री की मुझे एक क्वेश्चन दिखी है, मिलान करने के लिए विलियम फिंच, इब्न बतूता, रॉल्फ फिंच और फ्रांसवा बर्नियर, है ना, ये चार यात्रियों का नाम दे दिया।
उसके साथ साथ इस किसके दरबार में आए थे वो दूसरा ऑप्शन है, शाहजहां, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर और अकबर, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस इस तरह के रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आम है, बहुत आसानी से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं हम लोग मॉडर्न के क्वेश्चन की तरफ। तो मॉडर्न का जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है वो ये है कि हाँ देखिए, जैसे यहाँ पर ऑल स्टेट्स, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, अब इन सारी चीजों को, मद्रास, जैसे मद्रास महाजन सभा थी उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि किसने स्थापना की, कब हुआ था, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया था, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है, लास्ट वाला जो चैप्टर है हमारा फ्रीडम मूवमेंट से, फ्रीडम रिलेटेड मूवमेंट से। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपली पूछ लिए जाते हैं। अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं और करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी की तैयारी, तो हमने लॉन्च किया हुआ है अभी क्या, संग्राम बैच। कौन सा बैच? संग्राम बैच, जिसमें हम तैयारी कराते हैं सीयूईटी 2024 की। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो मैं फिर से बता रहा हूं, आप बीएचयू वाले ऐप डाउनलोड करिए और वहां जाकर के आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे, हिस्ट्री वाले सेक्शन में, उसमें फ्री कंटेंट का एक फोल्डर बना होगा, उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक। कोर्स लेक्चर फीचर के हम बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संग्राम बैच जो हम चला रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हम बच्चों को देते हैं। तो सबसे पहली चीज है वो है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। जो भी लाइव क्लासेस दी जाएंगी उनका जो लेक्चर रहेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो वो कैसे लिया जाएगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, वो सारा शेड्यूल आपको पहले ही वीकली दे दिया जाता है। डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, जैसा कि अभी हमने दोनों भाषाओं में बात की है, तो इसी तरह से लेक्चर में भी आपको दोनों भाषाओं में बताया जाएगा, कहीं भी आपको लैंग्वेज संबंधी दिक्कत नहीं होने वाली है। जो हमारा ऐप है वो जो हमारा ऐप है वो आपके फोन में भी चल सकता है और वेब बोर्ड में भी चल सकता है, ठीक। आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा स्टडी मटेरियल रिलेटेड, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट मिलेंगे, ई बुक एंड एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स और पीवाई की सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक। अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप संग्राम बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक और चीज है जो है टेस्ट सीरीज, जो हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप देख लीजिए, उसके लिए भी आप समझ लीजिए, और जल्द ही जैसे ही हम लॉन्च करेंगे आप चैनल पे आइए और आराम से यहाँ की सूचनाएं लेकर के ऐप पे जाकर के परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, मंथली टेस्ट आपको मिलेगा, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, बाइलिंगुअल क्वेश्चन एंड ऑप्शन है, मोर देन 10 फुल सिलेबस टेस्ट है जो कि होल सिलेबस खत्म होने के बाद मिलेगा, और ये सारी चीजें किसमें है, ये संग्राम बैच में ही आपको मिल रही हैं। ये कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, तो देखिए बाबू ये रुपए है 2700, देखने में आपको बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि कोर्स का फीस जो है वो 3500 रुपए है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप तैयारी करते हैं और नहीं करते हैं कि बीच का फर्क मैं बता देता हूं सिंपली। मान लीजिए कि आपने तैयारी नहीं किया, ठीक है, एग्जाम देने गए, आपका एडमिशन जो है वो कुछ नंबर के कम के होने की वजह से आपका एडमिशन बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज डीएवी में हो जाता है, ठीक है, आप चले गए डीएवी में, और आपने अगर लेट्स अज्यूम कि आपने संग्राम बैच लिया, आपने अच्छे से पढ़ाई की और आपका सिलेक्शन जो है वो बीएचयू मेन कैंपस में हो जाता है। ये दो अंतर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। डीएवी की जो फीस होगी, वो जो फीस होती है ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि 10 से 12,000 रुपए आपको पे करना होता है, 10K एटलीस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और बीएचयू में अगर आप आ जाते हैं तो यहां पे आपको मात्र कितने रुपए, 2500 से 2600 रुपए आपको पे करना होता है पूरे साल का ट्यूशन फीस या एकेडमिक फीस की बात करें। आपको पहले साल में ही ये पूरा पैसा तिगुने रेट से आपको वसूल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सुविधाएं जो मिलती हैं वो तो अलग ही है।
आपको BHU में आपको क्या कहते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी, साइबर लाइब्रेरी मिल जाएगी, हेल्थ कार्ड आपको मिलेगा जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का आपको क्या रहता है आप अवेल कर सकते हैं अपने हेल्थ के ऊपर, वो खर्च हो जाता है सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंस में बेसिक एक बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस हो सकता है। उसके साथ साथ एक चीज और बता दूं कि संग्राम बैच जो भी बच्चे लेंगे उनको टेस्ट सीरीज फिर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेस्ट सीरीज की सारी सुविधा संग्राम बैच में मिल जाएंगी। कैसे आपको परचेस करना है, तो ऐप का डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, स्टोर सेक्शन में जाना है और अपना कोर्स ढूंढ करके वहां आपको बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस कर लेना है और आप स्टूडेंट हो जाएंगे BHU वाले द हिस्टोरिका के। इस नंबर को ध्यान रखिए, आप सेव कर लीजिए इस नंबर को 9142719681, ये नंबर है BHU वाले द हिस्टोरिका के हेल्पलाइन नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित जानकारी और चाहिए तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं आगे हमारे पास जो बचा है वो है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उनको शेयर करते हैं तो हमारी बातें अच्छे तरीके से जो बताई गई बातें हैं वो उन तक पहुंचेंगी और उनको भी समझ में आएगा कि सिलेबस एक्चुअल होता कैसे है, कैसे उसको पढ़ना है, ये समझना बहुत जरूरी है। आप एक अच्छे दोस्त का धर्म निभाइए, हम एक अच्छे शिक्षक का धर्म निभाते हैं और मिल करके सब बच्चों को CUET PG 2024 हिस्ट्री में एक्सीलेंसी को प्राप्त कराते हैं। तो शेयर करना मत भूलिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे आने वाले सभी जानकारियों को पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लेक्चर सीरीज चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमारे टीचर्स के द्वारा लेक्चर की सीरीज लाई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब पर, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं बसंत लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।